अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुलेमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी टूल्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो MI के मोबाइल हैं Xiaomi के, उनका FRP कैसे करना है हमें। MIUI 13 का जो क्वालकॉम है हमारे, तो उनको हम कैसे FRP उनकी रिमूव कर सकते हैं। और ये इंतहाई आसान है, इसका आपको टेस्ट पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही इसको FRP कर सकते हैं। तो ये इंतहाई आसान तरीका है इसका, जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये देख सकते हैं, ये आप मेरी डिवाइस, मैं इसमें पहले आपको चेक करवा दूं कि मेरी FRP जो है वो लगी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो है वो अकाउंट लगा हुआ है, यहाँ पे FRP लगी हुई है। तो आप इसको जैसे भी ऑन करने की कोशिश करें, ब्राउज़र में जाने की कोशिश करें, तो ये ऐसे नहीं जाएगा। तो इसको ब्राउज़र में लेके जाने के लिए आप किसी किस्म का भी ट्राई कर सकते हैं इसको, जैसे दूसरे अदर्स ब्रांड के अंदर आप इसको ऑन करके ब्राउज़र के अंदर चले जाते हैं, तो इसके अंदर कोई भी आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ये देख सकते हैं, ना आप कोई चीज़ कॉपी कर सकते हैं, ना किसी चीज़ को थ्रू वेब के आप ओपन कर सकते हैं। तो इसका सबसे इजी वे जो है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये आप देखें, ये मेरी जो डिवाइस है Note 10 Pro, वो यहाँ पे शो हो रही है। तो मैं MI पे जाऊँगा, मुझे कुछ भी चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल जो है वो इंस्टॉल ड्राइवर्स पे क्लिक कर दूँगा। ये देखें, ये जो है ड्राइवर्स इंस्टॉल हो रहे हैं मेरे, और ये जो ड्राइवर्स हैं वो इंस्टॉल होने के बाद आप देख सकते हैं MTP पे कन्वर्ट हो गए हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये मैंने MTP का जो ब्राउज़र है उसे एक्टिव कर दिया। तो ये देखें, ये YouTube ओपन हुई और अब जो है वो मेरा ब्राउज़र ओपन हो गया। तो यहाँ पे मैं सिंपल सर्च करूँगा FRP.unlockTool, ये आप देख सकते हैं फर्स्ट वेबसाइट मैंने ओपन कर ली। तो अब मैं FRP APK पे सर्च करूंगा और यहाँ से मैं इसकी जो है सेटिंग को वो ओपन कर लूँगा। सेटिंग ओपन करने के बाद ये आप देख सकते हैं इस डिवाइस का जो MIU है वो 13 है। अब आपने बैक आना है और बैक आने के बाद आपने सिंपल जो है स्पेशल फीचर्स जो हैं वो आपने इसके ऑन कर लेने हैं। ऑन करने के बाद आप ये भी देख सकते हैं इसके अंदर जो है फ्लोटिंग विंडोज़ वो भी मौजूद है। तो आपने सिर्फ बैक करना है, इसको बैक करने के बाद आपने सेकंड स्पेस के ऊपर क्लिक करना है और ये देखें, ये ओपन हो गया। और यहाँ से इसको एक्टिवेट कर देना, क्रिएट कर देना है सेकेंड स्पेस को। तो ये क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप इसको देखें, ये क्रिएट हो गया है। तो मैं अब इसको कंटिन्यू करूंगा और कंटिन्यू करने के बाद इस सेकंड पे मैं जो है इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और जस्ट आगे कंटिन्यू करके स्किप कर दूंगा। तो ये अभी क्रिएट होना शुरू हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं मेरी डिवाइस जो है वो ऑन होके अपने होम पेज पे आ चुकी है। तो ये सेटिंग जो है मैं इसकी ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद एडिशनल सेटिंग इसकी आप चेक कर सकते हैं, बैक आ जाएं। बैक आने के बाद अबाउट फोन जो है वो ऑन किया और ये मैंने अभी अपनी डिवाइस को मैं पावर ऑफ या रीस्टार्ट मैं कर दूंगा इसको। ये मेरी डिवाइस रीस्टार्ट हो रही है। तो MI के कुछ फ़ोन्स ऐसे हैं जो MediaTek हैं, वो ब्लूमूड के थ्रू हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो टेस्ट पॉइंट की ही ज़रूरत हमें पड़ती है उसको FRP को रिमूव करने के लिए।
एम आई क्लाउड डिसेबल कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन एम आई क्लाउड अगर हमें डिसेबल करना है तो वो हमें करने के लिए टेस्ट पॉइंट ही लगाने पड़ेंगे, और यहाँ तक ये भी हो सकता है कि हमें अपने डिवाइस को फ्लैश करना पड़ सकता है। लेकिन ये इजी है, अनलॉक टूल के ऊपर बहुत इजी, आप अपने जो डिवाइस है उसका अकाउंट जो है उसको डिसेबल कर सकते हैं, एम आई का जो क्लाउड है। तो वो जैसे ही डिसेबल होगा, डिसेबल होने के बाद आपका फ़ोन जो है वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं मेरी डिवाइस जो है वो ऑन हो चुकी है, ये आप चेक कर सकते हैं इसको, मेरी डिवाइस जो है वो कंप्लीट ऑन हो चुकी है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।